खबर खनिया थाना तहसील परिसर में शुक्रवार शनिवार रात अज्ञात लोगों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। सुबह जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने तत्काल प्रतिमा को हटवाकर मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया। प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में मौके पर भीम आर्मी सहित जाटव समाज के लोग एकत्रित हो गए। प्रतिमा तहसील परिसर में पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही खनिया थाना के साथ आसपास के लोगों की पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया। इसके बावजूद भीम आर्मी के लोग लगातार प्रतिमा तहसील परिसर में स्थापित करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भीम आर्मी के लोगों का कहना था कि जिन लोगों ने प्रतिमा को स्थापित किया पुलिस उन लोगों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई करे, लेकिन अब मूर्ति स्थापित हो गई तो प्रतिमा को वहीं स्थापित रहने दिया जाए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि प्रतिमा स्थापित करने से पहले स्वीकृति ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि हंगामे को देखकर मौके पर पिछोर SDOP प्रशांत शर्मा सहित अन्य थानों की पुलिस भी पहुंच गई थी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग रखी। वे काफी दिनों से चली आ रही थी, इसी को लेकर एक समिति बनाई है। इसी समिति के निर्णय के बाद आज फिर उक्त स्थान पर मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाएगा। तहसील परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति किसी अज्ञात लोगों ने स्थापित कर दी थी, उसमें अभी विवाद हुआ, क्या पूरा मामला है? हाँ, तहसील परिसर खनिया थाना में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा को अवैध तरीके से रख दिया था, और सुरक्षित तरीके से भी नहीं रखा था उसको। उसको प्रशासन ने सहमति पूर्वक उसको वहाँ से हटा करके, और चूँकि तहसील परिसर में पूर्व से ही बाबा साहेब की प्रतिमा की स्थापना के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा मांग की गई थी, और तहसील की समिति के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया था यहाँ पर किसी महापुरुष की प्रतिमा का स्थापना होना चाहिए, तो पहले से ये प्रस्तावित था। तो तहसील परिसर में पहले से ही बाबा साहेब की प्रतिमा लगाना प्रस्तावित था, लेकिन फंड की समस्या थी तो कुछ लोगों ने फंड इकट्ठा किया इसके लिए जनभागीदारी समिति से, तो जनभागीदारी समिति से हम विधिवत गरिमापूर्वक बाबा साहेब की प्रतिमा का स्थापना करने का उसमें निर्णय लिया है समिति के द्वारा।